डिपेंड करता है कि कौन से किस्म का कैंसर है, कौन सी स्टेज पे है, और इन तीन या चार टूल्स में से आपने कौन सा टूल यूज़ करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90-95% केसेस में सर्जरी की जाती है, यानी ऑपरेशन के साथ कैंसर को निकाल दिया जाता है, और रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या पहले सर्जरी से या बाद में इस्तेमाल की जाती है। तो कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनको डाउनसाइज या छोटा करने के लिए पहले कीमो यूज़ की जाती है। कीमोथेरेपी बेसिकली ड्रिप की सूरत में इंजेक्शन होते हैं जो पीरियोडिकली हर 3 से 4 हफ्ते के बाद दिए जाते हैं। उसके बाद जब ट्यूमर साइज़ कम हो जाता है तो फिर सर्जरी को प्रेफर किया जाता है, सर्जरी से ट्यूमर को निकाल के उसके बाद फिर रेडिएशन दी जाती है ताकि उसके दोबारा होने से रोका जाए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमारे पास वेल इक्विप्ड कैंसर सेंटर है जो कि तकरीबन 2000 से काम कर रहा है। इसमें दुनिया की ऑलमोस्ट लेटेस्ट टेक्निक्स हैं और हम कंपेटिबल हैं कैंसर ट्रीटमेंट में किसी भी पाकिस्तान के बड़े अदारे के साथ। हमारे पास फुल फ्लैज मेडिकल ऑनकोलॉजी यूनिट है, फुल फ्लैज रेडिएशन यूनिट है, और जिसमें हमारे पास दो मशीन्स हैं रेडिएशन की, लीनियर एसिलेटर जिन्हें कहते हैं, और जो कंपेटिबल हैं IMRT जो लेटेस्ट टेक्निक है रेडिएशन की उसके करने के लिए। और लास्ट तकरीबन 1.5 ईयर पहले हमारे पास एक ब्रेकी थेरेपी की मशीन भी आई है जो कि अंदरूनी रेडिएशन करती है। कई कैंसर में अंदरूनी रेडिएशन का बड़ा फ़ायदा होता है और आप रेडिएशन की डोज़ को ऑगमेंट यानी बढ़ा सकते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा कंट्रोल लिया जाए।